Welcome. In previous sessions, we study different functions, strings, and array. In this session, we study the Java intrinsic function. So let's see what is intrinsic function. JavaScript provides some special set of built-in function known as intrinsic function. The JavaScript provide the intrinsic function for submit and reset button. It can be used while submitting the form or resetting the form fields. The submit method of form object can be used to send form to the server in exactly same way if the user has pressed the submit button. इसका मतलब क्या है? JavaScript में बहुत सारे inbuilt functions रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसे special functions रहते हैं कि जैसे कि हम कुछ अगर type करते हैं या कुछ coding करते हैं, तो उसे हम सर्वर पे भेज सकते हैं। तो अगर हम वैसे अगर कोई सबमिट फंक्शन किसी स्पेशल बटन पे सबमिट के टाइम या रिसेट के टाइम यूज करते हैं, तो हम वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं, इसके लिए कुछ से अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हमें उस बटन पे उस फंक्शन को कॉल करना रहता है। तो हम अभी देखते हैं कि ये इंट्रिंसिक फंक्शन कैसे कॉल होता है। हम सिर्फ एक फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन का यूज करके देखते हैं। अगेन सेम सिंटैक्स, HTML, बॉडी, स्क्रिप्ट टाइप, यहाँ कौन सी भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली सबमिट फंक्शन जो HTML का है वही हम कॉल करने वाले हैं। फॉर्म, एक फॉर्म बनाया है। इंटर नेम या इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसके नीचे एक इमेज ली है हमने, ओके। और इमेज को हमने एक सिंपल एक सबमिट डॉट जी एफ एक इमेज थी जो बटन की इमेज है, हमने उसे अप्लाई किया है, उसे हाइट और विड्थ दी है। ये एक सिंपल HTML सिंटैक्स है जो आपने फर्स्ट पहले ही पढ़ा है। अब इसके इवेंट पे देखिए, ऑन क्लिक, अब इवेंट पे लिखा है मैंने इमेज के जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट फॉर्म वन सबमिट। इसका मतलब है वेब पेज डॉक्यूमेंट का वेब पेज में का जो फॉर्म्स है फॉर्म वन उसका सबमिशन हो जाए, ओके। तो वेब पेज यानी डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स यानी बहुत सारे फॉर्म्स। तो अभी इस फॉर्म को मैंने नाम दिया है फॉर्म वन, इसलिए यह फॉर्म वन दिखा। अगर फॉर्म टू रहता तो मैं फॉर्म टू देता और उसका सबमिट ये कॉल होता है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम रन करने के बाद कुछ टाइप करेंगे और ये क्लिक करने के बाद वो वहाँ रिसेट होता है नहीं, ये देखेंगे अभी हम। तो हम अभी देखते हैं रन करके। देखिए यहाँ आ रहा है हमारा इंटर नेम, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर यहाँ मैं कुछ टाइप रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ टाइप किया है, जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा जो कि सबमिट बटन की इमेज GIF है, तो वैसे ही ये रिसेट हो जाएगा। देखिए तो ये जो भी है यहाँ देखिए ऊपर आ गया, TXTFname इज इक्वल टू सब वैल्यू सेट हो गई। और अभी अगर मुझे अगर सर्वर पे सबमिशन करना होता, मैंने आगे कुछ कोडिंग लिखी नहीं है कि सबमिट करने के बाद कहीं सर्वर पे स्टोर करना है या नहीं करना है, बट हमें ये देखना था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ इंट्रिंसिक फंक्शन है जो कि ऐसे स्पेसिफिकली हम अभी यूज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।